हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरव फ्रॉम डिंगू मून चैनल। इंडिया में बहुत कुछ आने वाला है अगले आने वाले 1 से 1.5 या 2 साल में। उसके लिए तैयारी कर लो, पैसे जमा कर लो, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग हम लोगों को करनी है। अब देखो, जैसे कि TVS हुआ या बजाज हुआ, रॉयल इनफील्ड के कंपैरिजन में ये बाइक्स लेके आ रहे हैं, क्योंकि लानी भी चाहिए। वो इसलिए सारी बाइक कंपनी मिला के जितनी सेल करती हैं उसका 45% तो रॉयल एनफील्ड ही कर लेती है। वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडियन मार्केट के अंदर। इस बाइक का नाम है TVS जेपलिन और ये इंडिया में आएगी एज अ लग्जरी क्रूज़र। बहुत ही खूबसूरत बाइक है। 220 सीसी का इंजन है इसके अंदर, जो कि आपको पावर देता है 35 BHP का और 35 Nm ऑफ टॉर्क। इसको पावर क्रूज़र बोलेंगे वो लोग जब भी लॉन्च करेंगे। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी भी है, एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। देखो राइट में जहां आपको वो मोटा मोटा सा गोल गोल दिख रहा है, वो इलेक्ट्रिक मोटर है। जैसे कि हाइब्रिड कार्स होती हैं उनमें एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, इसके अंदर भी दी गई है। फुल LED हेडलैम्प्स, फुल LED इंडिकेटर्स, सब कुछ LED है, सब कुछ डिजिटल है। और अपसाइड डाउन फोक्स हैं इसके अंदर। अब जैसे TVS ने अपनी अपाचे RR310 को लॉन्च किया, वो प्लेटफॉर्म था, वो इंजन था BMW G310R का। वो मैंने दुबई में देखी थी। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो दुबई का है, मैं भी दुबई गया हुआ था, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। फिलहाल इस बाइक की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया में जब ये बाइक आएगी तो बहुत सारे फीचर्स हटा लिए जाएंगे, जैसे कि ये हाइब्रिड सिस्टम और ये जो आप पुली देख रहे हो, ये पुली उसमें नहीं मिलेगी। वो चेन ड्राइव होगी किफ़ायती बनाने के लिए, सस्ती बनाने के लिए, क्योंकि फिर हम ही लोग कहेंगे कि TVS ने इतनी महंगी बाइक बना दी, उसके अंदर इतनी पावर नहीं है। इंडिया में मैक्सिमम लोग देखते हैं CC कि CC किसका ज़्यादा है, BHP चाहे कम हो, उसकी बिल्ड क्वालिटी लो हो, लेकिन CC ज़्यादा है और वो आपको सस्ते में मिल जाए तो सब लोग भागते हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि भाई CC ज़्यादा है तो मतलब है इंजन बड़ा है, और इंजन बड़ा होने का मतलब है कि पावर बड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो अप्रीला कंपनी है उसकी 125 सीसी की जो बाइक है वो आपको 35 BHP और 37 Nm ऑफ टॉर्क देती है, ऑन क्रैंक नहीं, ऑन व्हील। लेकिन उसकी कॉस्ट भी फिर 4 लाख रुपए है। तो इंडिया में वो इसलिए नहीं है क्योंकि 125 सीसी की बाइक कभी भी 4 लाख में इंडिया में नहीं बिक सकती, वो US के लिए ही है। इसमें एक इको बूस्ट सिस्टम है। इस बाइक का नाम जेपलिन है, मैं दोबारा बता दूं जो व्यूअर सभी देख रहे हैं, ये है TVS जेपलिन 220 सीसी की, जो कि आपको 35 हॉर्सेस का पावर देगी और 35 Nm ऑफ टॉर्क देगी। बिल्ड क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। सबसे लास्ट में मैं इसकी सबसे अच्छी बात बताऊंगा, इसके प्राइस, और इसके प्राइस बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। अगर वो प्राइस हो जाए और बिल्ड क्वालिटी ऐसी ही रहे, बाइक का मॉडल ऐसा ही रहे, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हमने TVS का पहले भी देख लिया है। उन्होंने जब अकूला दिखाई थी तो अकूला को दिखाया था कि वो शार्क है, वो है ब्लैक शार्क, वो इतनी तेज़ है, वो इतनी तेज़ है, इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, एल्युमिनियम के फ्रेम्स हैं, जो बैक रेस्ट है वो भी बहुत ही प्यारा है। लेकिन हमें देखने को क्या मिला, जो कि शोरूम में आया वो बिल्कुल ही अलग मॉडल था, सिर्फ हेडलाइट्स भी थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ में लगा रखी थी। वो इसलिए था क्योंकि कंपनी को पता है इंडियन मार्केट कैसी है, उसको कितने लेवल तक देना है। अगर सारी चीज़ें वो लोग वही दे देते तो मेरे को नहीं लगता कि बिकती, क्योंकि बाइक चली जाती 3.5-4 लाख रुपए की और उसके बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इंडिया के अंदर। बिल्कुल कोई भी नहीं लेता 4 लाख रुपए की वो सिंगल सिलेंडर 310 CC। यार मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, ये सारी कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि रॉयल इनफील्ड से कम्पीट करें, रॉयल इनफील्ड की मार्केट खा जाएं, ये कर लें वो कर लें। क्या ये वैसा प्रोडक्ट या वैसी बाइक या फिर वैसा इंजन सोच पा रहे हैं ये लोग? मेरे को नहीं लग रहा यार कि ये लोग सोच भी पा रहे हैं या फिर ये कोशिश कर रहे हैं उस मार्केट को या फिर उन लोगों को समझने की जो कि लोग रॉयल इनफील्ड चलाते हैं। इतनी परेशानियों में भी, इतनी मुसीबतों में भी वो लोग रॉयल इनफील्ड के ऑनर होने को प्राउड समझते हैं और अच्छा समझते हैं, और मज़ा आता है बुलेट चलाने में, क्लासिक चलाने में, थंडरबर्ड चलाने में।
बट ये लोग सोच रहे हैं क्या सिर्फ वो बाइक चला रहे हैं 350 या 500 cc की चला रहे हैं और ऐसा चला रहे हैं और वैसा चला रहे हैं, पावर उनके पास 19 है या फिर 28 है HP। रॉयल इनफील्ड की जो क्लासिक है उसके अंदर फीचर नहीं है, चलो समझने वाली बात है, वो पार्ट ऑफ डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन का ही पार्ट है, उसको वैसे ही डिज़ाइन किया जाता है कि उसके अंदर कोई फीचर नहीं डाला जाए, यहाँ तक कि फ्यूल मीटर तक भी नहीं डाला जाए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप इंजन को भी ऐसा बना दो कि साला जो रिलायबल ही ना हो, वही वाला तुम्हारा जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंजन चल रहे थे तुम वो वाले इंजन बना दो जो कि रिलायबल नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हैं यार, बहुत सारे लोग परेशान हैं, मैं नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हैं। ये जो बाइक आप लोग देख रहे हैं इस बाइक की कॉस्ट होगी 1,35,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक। अगर 1.5 लाख रुपये तक ऐसी फिट विश हम लोगों को मिलती है तो कोई भी हो कोई भी इंडियन ये छोड़ेगा नहीं। चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग कीप रॉकिंग, खुश रहो और अपने चाहने वालों को भी खुश रखो। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।